एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में स्थित नौगवा ठाकुरान गांव पड़ा। लगभग 5500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान दयाराम मौर्य हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में 30 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किया है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, 14 खड़ंजे, 2 आवास आदि का निर्माण भी कराया गया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में लगभग 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं, साथ ही 10 और हैंडपंप की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की करें तो गांव में 150 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 22 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी 25 विद्युत पोल व 2 ट्रांसफार्मर की सरकार से मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में शमशान घाट, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75 आवास, वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 600 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान दयाराम मौर्य, मैं पुत्र सतीश चंद्र मौर्य, ग्राम पंचायत नौगवा ठाकुरान, बिला आलमपुर जाफराबाद बरेली। मैंने गाँव में 22 सोलर लाइट, 14 खड़ंजे और 30 शौचालय, 2 आवास बनवा दिए। बाकी मेरी डिमांड है सरकार से 75 आवास और 20 सोलर लाइट व मतलब अदर ज़्यादातर खड़ंजे और तेज स्थल पर 3 सेट, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, 600 लाइटिंग की आवश्यकता है, जिससे हमारा गांव स्वच्छ भारत मिशन के उसमें आ जाए। और गांव मतलब शौचालय की ज़्यादातर आवश्यकता है, इसलिए अगर सरकार से मैं चाहता हूं कि मेरे यहां समस्त सब घरों में शौचालय बन जाए। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यहां बल्लिया रोड से नौगवा ठाकुरान तक जो रास्ता है PWD वाला, वो बिल्कुल बेकार है। गुजारिश करता हूं कि PW द्वारा वो बन जाए, समस्या सुलझ जाए, ये मतलब आवश्यकता है गाँव की। संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर के आस पड़ोस की सफाई करें और नालियों को साफ सुथरा रखें, और जब मतलब जब आप गांव का सहयोग करेंगे तभी गांव विकास की ओर बढ़ पाएगा। विजेंद्र बाबू तिवारी, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल नौगवा ठाकुरान में 51 बच्चे इस समय अध्ययनरत हैं और विद्यालय में इस समय जो है फील्ड में खड़ंजा की आवश्यकता है और लैट्रीन और पेशाब करने के लिए टॉयलेट की भी आवश्यकता है। और गांव के प्रधान जी जो हैं बहुत विद्यालय की ओर विशेष ध्यान रखते हैं और ये बहुत अच्छा विकास भी कर रहे हैं। लगातार 3 बार प्रधान जी रह चुके हैं, हमारे यहाँ का विकास भी बहुत अच्छा किया है। गांव में स्कूल भी आए और वो क्या नाम है, स्वास्थ्य केंद्र भी आया है और 2 स्कूल बनवा दिए। एक हमारे गाँव में मजर लगता है चंपतपुर, तखतपुर कौंटी है, उसमें भी जूनियर स्कूल है और सारे गाँव में बिजली का प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है।